जो कीमत थी वो 2.67 रुपए पे, यानी 2.67 रुपए पे जो है उन्होंने कहा कि अप्रूव कर दी है। फिर फेडरल कैबिनेट ने वो समरी ही रिजेक्ट कर दी। फिर जो पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोक दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है और 500% कीमत जो है वो एक गोली की, एक पैनाडोल की, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। ने कोविड देखा है और अभी भी कोविड चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, सैलाब आए हैं वहाँ पर, लोग बीमार हैं, कहीं पर मलेरिया है, कहीं पर डेंगू है, बेतहाशा मसाइल है। ने इस पाकिस्तान के खिलाफ जो बारूदी सुरंग लगाई थी उससे उन्होंने आपकी डॉलर की इनफ्लोस को सेबोटाज किया था। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी डॉलर इनफ्लोस ड्राई अप हो रही हो और आपकी अपनी करेंसी प्रेशर के अंदर आ रही हो और रुपया जो हो गिरावट का शिकार हो और उसके बाद में आपका कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन के मसाइल चल रहे हो, जिसकी वजह से लोगों के किराए बढ़ गए हो, जिसकी वजह से मंडियों के अंदर रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई हों। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान में आई हुई बाढ़ के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको बता दी कि पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है जिसकी वजह से काफ़ी गांव उजड़ चुके हैं, लोग अपनी छतों पर रह रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो दवाइयाँ भी महंगी हो चुकी हैं। कोविड के समय में भी वहाँ पर दवाइयाँ महंगी ही थी और एक ऐसी दवा है जिसकी ज़रूरत सभी को होती है जो पेन रिलीवर है, उसकी कीमत वहाँ के मैन्युफैक्चरर ने बढ़ा दी है और बाढ़ की वजह से काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही है, जिसमें मलेरिया और काफ़ी बीमारियाँ फैल रही है। ऐसे में पाकिस्तान में लोगों के लिए कोई भी परवाह नहीं कर रहा। पाकिस्तान के नेताओं को फंड की पड़ी है पर पाकिस्तान के लोगों की नहीं। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। कि एक गोली जो पाकिस्तान में हर कोई, मेरे ख्याल से हर किसी के घर में मौजूद होती है, जिसको हम पैनाडोल कहते हैं, जो कि ओवर द काउंटर एक पेन रिलीवर है, वो जो है वो नहीं मिल रही, वो शॉर्ट हो गई है और पूरे पाकिस्तान में जो है ये नहीं मिल रही है। अब इसमें भी बहुत सारी ऐसे वजूहात हैं कि जो जो इसकी प्राइसिंग जिस अंदाज़ में की गई वो भी पॉलिटिकल आई थिंक उसकी नज़र हो गई, बहुत सारे मोटिव्स की नज़र हो गई। मिसाल के तौर पे कि जो ड्रैप है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने इसकी जो कीमत थी वो 2.67 रुपए पे, यानी 2.67 रुपए पे जो है उन्होंने कहा कि अप्रूव कर दी है। फिर फेडरल कैबिनेट ने वो समरी ही रिजेक्ट कर दी। फिर जो पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोक दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है और 500% कीमत जो है वो एक गोली की, एक पैनाडोल की, बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। एक साल के अंदर 500% तक इसमें इंक्रीज जो है वो देखने को आया है। अवाम ऑब्वियसली, जहाँ पर आपने कोविड देखा है और अभी भी कोविड चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, सैलाब आए हैं वहाँ पर, लोग बीमार हैं, कहीं पर मलेरिया है, कहीं पर डेंगू है, बेतहाशा मसाइल है, वहाँ पर ये एक जो पेन रिलीवर है जो कि हर घर में मौजूद होता है वही नहीं मिल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जीएसके जो कि ये पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है, जो उनकी तरफ से शिकायत आ रही हैं, जिस तरीके से उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उनके कीमतें जो हैं जिस अंदाज में वो चाह रहे थे कि रखी जाएँ वो नहीं रखी जा रही। फेडरल कैबिनेट ने जो है वो कहते हैं कि जी समरी भी रिजेक्ट कर दी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने मसाइल हैं। सो ये आम पाकिस्तानी कहां जाए जिसको अब वो कहते हैं कि जी एक गोली 3 रुपए में मिलेगी, वो कैसे अफोर्ड करें। मईशत के चैलेंजेस और मोर सो जो अब दवाइयों की सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। देखिए, मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि हालात मुश्किल हैं और उसके बाद जो ये फ्लड की जो एक नई डायमेंशन आई है उससे ना सिर्फ लोगों की तकलीफ के अंदर इजाफा हुआ है पर अब हमें उन सारे लोगों की बहाली के लिए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि इस वाइडर कैनवस के ऊपर इस सारी की सारी डिबेट को आगे लेके चलिएगा और जो पैनाडोल की जो प्राइस का मामला है और जो हमने सियासत और मईशत का एक खौफनाक किस्म का यहां पे कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अंदर बना दिया हुआ है, क्योंकि आप जानती हैं हमारी पहले ही जो सिचुएशन थी एक्सटर्नल अकाउंट की मोर सो, क्योंकि डॉलर का फुकदान था इस मुल्क के अंदर और इमरान खान साहब को जब असेंबलियों से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जब हुकूमत से अलहदा किया गया था तो उन्होंने इस पाकिस्तान के खिलाफ जो बारूदी सुरंग लगाई थी उससे उन्होंने आपकी डॉलर की इनफ्लोस को सेबेटाज
आज किया था। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी डॉलर इनफ्लोज ड्राई अप हो रही हो और आपकी अपनी करेंसी प्रेशर के अंदर आ रही हो और रुपया जो हो गिरावट का शिकार हो और उसके बाद में आपका कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन के मसाइल चल रहे हो जिसकी वजह से लोगों के किराए बढ़ गए हो, जिसकी वजह से बैन अलावामी मंडियों के अंदर रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ गई हो, तो उसकी वजह से अगर आपके मैन्युफैक्चरर्स के साथ आप बैठ के उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिटरमिन नहीं करेंगे और रीजनेबल प्राइस बहुत बुरे हैं, लेकिन आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं स्पेसिफिकली इस एक दवाई की जो बात कर रही हूं वो आपको भी पता है कि हर घर में इस्तेमाल होती है, हर गरीब के लिए भी जो है वो अफोर्डेबल हमेशा से यही होती है कि और कुछ नहीं मिलता तो कहीं पे भी दर्द है तो डॉक्टर कहते हैं कि जी आप एक पैनाडॉल खा लें। सो अभी जो इतना ज्यादा और लोकल जो पैनाडॉल मिल भी रही है ना वो यहाँ पे वो भी फेक मिल रही है, एक महीना पहले ही उन्होंने प्रोडक्शन रोक दी, मैन्युफैक्चरिंग रोक दी जीएसके ने। सादिया मैं भी अवाम के अंदर रहता हूं, मुझे भी लाहौर की अवाम ने उनकी नुमाइंदगी का हक दिया, मुझे बिल्कुल उनकी तकलीफ से मैं वाकिफ हूं, पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर उनकी कीमत इतनी आप कम सेट कर दें कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो और आप बैठ के वो फॉर्मूला एक कंसेंसस के साथ डेवलप ही ना कर सकते हो तो ये मामला पैनाडॉल तक नहीं रहेगा, ये मामला उस तरह से होगा जिस तरह से आपने श्रीलंका के अंदर सूरत हाल देखी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट से खत्म हो जाएगी। तो हमें इस निजाम को इन चीजों को होलिस्टिकली टैकल करना पड़ेगा, जो मसाइल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के उनको देखना पड़ेगा। कि जी एक रुपए 35 पैसे पे बेच दें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑलरेडी लॉस में है, एक साल में वो कहते हैं 500% तक हमारे जो है वो नुकसान में चले गए हम। सो ये चीजें आप अब ऑब्वियसली फेडरल कैबिनेट की तरफ से है तो उनको देखना चाहिए, आप ही उन तक पहुंचा देंगे कि एक दवाई नहीं मैं इसके ऊपर मैं उसके ऊपर सादिया सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि हमें मईशत के मामलात को सियासत से डीकपल करना पड़ेगा, अगर हमने इसी तरह मईशत के मामलात के अंदर सियासत को गुचमुच किया तो इसी किस्म की तकलीफ हमारे सामने आएगी। हमें जिस चीज के लिए आज एफर्ट करने की जरूरत है कि वो हमने अपनी मईशत को स्टेबलाइज किस तरह करना है, क्योंकि इमरान खान साहब इस मईशत को वेंटिलेटर के ऊपर डाल के खोखला करके गए थे, आज हमने अगर IMF की मदद के साथ अपनी एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन को स्टेबलाइज किया तो आज फौरी तौर के ऊपर हमने डिफॉल्ट को अवर्ट कर लिया, पर हमें जो इस रास्ते के ऊपर जिससे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर जा सके और बहुत सी इस्लाहात करनी होगी। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा एक नई प्रॉब्लम जो नई डायमेंशन ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आफत सलाब की सूरत हाल सलाब की शक्ल में हमारे सामने आई है, हमें उनके लिए भी इंतजाम करना होगा। तो जब तक इन मामलात को हम होलिस्टिकली टैकल नहीं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।